नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीबीआई कोर्ट ने पी चिदंबरम को 5 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। वो 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड में रखे जाएंगे। इसके अलावा उनसे दिन में 30 मिनट के लिए उनके परिवार वाले और वकील मिल सकते हैं। सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी मांगने के लिए अदालत को कहा कि चिदंबरम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको 5 दिन की हिरासत में भेजा जाए। वहीं चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि सीबीआई ने जब भी चिदंबरम को पूछताछ के लिए बुलाया है वो हाजिर हुए हैं, इसलिए पूछताछ में सहयोग ना करने की बात गलत है। चिदंबरम की गिरफ्तारी के तरीकों को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वो कानूनी दावपेंच के बारे में बात नहीं कर रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनको गिरफ्तार किया गया है वो बहुत ही दुखद है। बनर्जी ने कहा कि चिदंबरम पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं, उनको जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया वो बहुत ही दुखद है। चिदंबरम पर कार्रवाई के बाद उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने कहा कि सरकार की कार्रवाई कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए है और केंद्र सरकार के सबसे बड़े आलोचक को चुप कराने के लिए की गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हर वक्त मोदी को खलनायक की तरह दिखाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के शासन का मॉडल पूरी तरह नकारात्मक गाथा नहीं है और उनके काम के महत्व को स्वीकार नहीं करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। रमेश ने कहा, ये वक्त है कि हम मोदी के काम और 2014 से 2019 के बीच उन्होंने जो किया उसके महत्व को समझें, जिसके कारण वह सत्ता में लौटे हैं। आज कश्मीर में नजरबंद रखे गए नेताओं के मसले को लेकर 9 विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। डीएमके द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस, सपा, आरजेडी और सीपीआई टीएमसी समेत 8 पार्टियां शामिल हुई। इस दौरान कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जरूर ही कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है जिसको सरकार छुपाना चाहती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरेंडर करेंगे। पुरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में सरेंडर करने के लिए संपर्क किया है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट खत्म करने से इनकार कर दिया था। बता दें, रतुल पुरी को इसी हफ्ते ही ईडी ने 354 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जन्मजात नागरिकता को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर अमेरिकी लोग यहां आते हैं और बच्चे को जन्म देते हैं, जिसके बाद यहां जन्मा बच्चा अमेरिकी नागरिक बन जाता है। उन्होंने कहा वो इस व्यवस्था में बदलाव करेंगे। ईरान ने आज धरती से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल का अनावरण किया। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बाबर 373 मिसाइल का अनावरण किया, जो रूस की S-300 मिसाइल की प्रतिद्वंदी मानी जा रही है। बता दें, ये सब तब हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच संबंध काफी खराब चल रहे हैं। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी मिलिट्री सर्विलांस ड्रोन को मार गिराया था। 6 महीने के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 587 अंकों की गिरावट के साथ 36,473 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 177 अंकों की गिरावट के साथ 10,741 पर बंद हुआ। भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मैदान गीला होने के कारण टॉस कुछ देरी से हुआ। एक दिवसीय और T20 सीरीज में वेस्टइंडीज को करारी मात देने के बाद भारत 2 मैचों की टेस्ट सीरीज की जीत से शुरुआत करना चाहेगा। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंकन विकेट कीपर दिमुथ करुणारत्ने की पारी की वजह से पहले दिन श्रीलंका ने 2 विकेट खोकर 85 रन बना लिए। बारिश से बाधित मैच में करुणारत्ने ने 49 रनों की नाबाद पारी खेली। इससे पहले इस विकेट कीपर बल्लेबाज ने शुरुआती 59 मिनट में मात्र 2 रन बनाए थे। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने रोहित शर्मा को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा, रोहित शर्मा से टेस्ट मैचों में भी ओपनिंग करानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने रहाणे को मध्य क्रम में खिलाने की सिफारिश की है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वालों की लिस्ट में 4th नंबर पर पहुंच चुके हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स की ताजा लिस्ट के अनुसार अक्षय कुमार $65 मिलियन की कमाई के साथ 4th नंबर पर हैं और वो बॉलीवुड के इकलौते अभिनेता हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।